वेलकम टू विजयस होम किचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और देख लेते हैं आज मैं अपनी किचन में आपके लिए क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इजी, साथ के साथ झटपट बनने वाली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी एक रेसिपी। आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर डोसे बैटर से बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट, या आप उसे स्नैक भी बोल सकते हैं। ये है डोसा बैटर। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। कई बार क्या होता है, डोसे हम बना लेते हैं फिर भी थोड़ा सा बैटर बच जाता है, और उस थोड़े से बचे हुए बैटर से हम ज़्यादातर या तो उत्पम बना लेते हैं या फिर हम उसके अप्पे बना लेते हैं। और आज मैं कुछ अलग लेके आई हूँ आपके लिए, उत्पम, अप्पे। और डोसा खाते खाते आप बोर हो गए हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आज आपको इस डोसे बैटर से बहुत ही हेल्दी और साथ के साथ टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसमें थोड़ी सूजी ऐड की है, क्योंकि बैटर मुझे कम लग रहा था। अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा बैटर है तो आप सूजी पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, और अगर ऐड करते हैं तो वो टेस्ट ही एनहेंस करती है। इसके साथ मैं बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो सूजी की जगह, अगर आपके पास चावल का आटा है तो यहाँ पे आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी। इसके साथ ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा इसमें वाटर, क्योंकि हमने सूजी ऐड की है और सूजी वाटर सोक करती है, तो जो हमारे बैटर में वाटर है वो कहीं ना कहीं सूजी सोक कर लेगी। तो इस वजह से मैंने वाटर ऐड किया है, और ग्रेजुअली ही थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करिएगा। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, यहाँ पे मैंने ऐड किया था एक छौंक जो मैंने बनाया था घी, मस्टर्ड सीड्स और रेड चिली पाउडर से। वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई है तो वो आप ऐड कर लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो तड़का है सेम वैसे ही लगता है जैसे कि नारियल चटनी में हम तड़का लगाते हैं, तो वो सेम तड़का ही इसमें लगेगा, तो वो मिस मत करिएगा बिल्कुल भी। तो तड़का तो हमारा लग गया, और अब ऐड करेंगे वेजीज। वेजीज में सबसे पहले जाएगा एक कटोरी भर के धनिया, फ्रेश धनिया, और उसके साथ डाला है दो अनियन फाइनली चॉप करके। जो भी वेजीज आप ऐड करें अच्छे से फाइनली चॉप करके ऐड करिएगा। इसके साथ मैंने ऐड किया है कैरेट। कैरेट को भी मैंने बहुत अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है चॉपर में, और आप इसमें और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं इसके अलावा, जो भी आपको पसंद हो, और आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। और अब मैं सारी वेजीज को मिक्स कर लूँगी बैटर के साथ, सब्जियों को। आप चाहें तो यहाँ पे जो कैप्सिकम होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, बट टमाटर आप इसके अंदर ऐड मत करिएगा, क्योंकि उससे जो थोड़ा सा ये गीला गीला सा बैटर हो जाता है, और ब्रेड पे हम जब इसे लगाएंगे तो वो अच्छे से बन नहीं पाएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुछ मसाले। मसालों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून ओरिगेनो सीजनिंग। ओरिगेनो सीजनिंग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, और जाएगा 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं। इसके साथ डाला है 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, और इसके साथ मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसालों को। और आप चाहें तो इसमें और भी कोई मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये बिना मसालों के भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड करके इस घोल को तैयार कर लिया था, और इसे 10 मिनट्स के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। और ये देखिए 10 मिनट्स हो गए थे, हमारा जो बैटर है वो अच्छे से रेडी हो गया है, और जो सूजी है वो भी फूल गई थी। और अब मैं क्या करूँगी, इसका आगे का प्रोसेस करूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए होगी ब्रेड। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ होल व्हीट ब्रेड। आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं और ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, वो पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और एक और चीज़ आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, ईजी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मैं ब्रेड के ऊपर जो बैटर है वो अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। अब आपने देखा कितनी सारी सब्जियां आ गई हैं। बच्चों को सब्जियां खिलाने का सबसे अच्छा तरीका है इस टाइप से, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आपको इसका थोड़ा टेस्ट एनहेंस करना है बच्चों के लिए, तो आप यहाँ पे चीज भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और साथ के साथ हेल्दी तो ये रेसिपी है ही। तो इंस्टेंट, हेल्दी और ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए अच्छे से दोनों ब्रेड पीसेस में मैंने लगा लिया, और सारी ब्रेड पीसेस में लगा के एक साइड रख लूँगी, और एक साइड मैंने तवा भी हीट होने रख दिया था। तवा हमारा अच्छे से हीट हो गया है, और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ घी। मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये मैंने घी ऐड कर दिया है, और घी को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी तवे के ऊपर, क्योंकि मुझे इस पे ब्रेड सेकनी है। और आप चाहें तो विदाउट बटर या घी भी आप सेक सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बटर भी ऐड किया है, और इसे ब्रेड को रख दिया है। ब्रेड को मैं दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकूंगी, और ये सारा प्रोसेस मैं स्लो फ्लेम पे कर रही हूँ, और ये प्रोसेस आप स्लो फ्लेम पे ही कीजिएगा। इसके साथ मैंने थोड़ा सा घी ऊपर भी ऐड कर दिया है, और अब मैं इन ब्रेड पीसेस को पलट दूंगी। बहुत ध्यान से पलटिएगा,
ये देखिए इस टाइप से दोनों हाथों का यूज करते हुए आप इसे पलटिएगा और थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपका बैटर कहीं हल्का सा मोटा रह गया तो अगर आप प्रेस कर देंगे तो वो चारों तरफ फैल जाएगा और कहीं आपका अनकुक नहीं रहेगा आपका बैटर और अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इसे, हेल्दी तो है ही साथ के साथ और झटपट भी बन जाती है, ज़रा सा बैटर जो बचा है वो आपका वेस्ट भी नहीं होगा और आपकी पूरी फैमिली अच्छे से एंजॉय करेगी आपका ये ब्रेकफास्ट और आपको मेहनत भी नहीं लगेगी ज़्यादा। दोनों ही चीज़ें हो गई ना हम हाउसवाइफ्स के लिए। तो इन्हें मैं अच्छे से प्रेस करते हुए दोनों साइड से सेक लिया था मैंने और वो हमारी ब्रेड अच्छे से सेक गई थी। अब इसे कर लेते हैं सर्व। सर्व करने के लिए मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी ब्रेड को, दोनों पीसेस को, और इसके साथ डालूंगी कोकोनट चटनी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। हाँ, अगर आपके पास ये नहीं है, आपने इससे पहले डोसे नहीं बनाए हैं, तो आप इसकी जगह सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, टोमेटो केचप। तो हमारी ये इजी इंस्टेंट हेल्दी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे और अच्छी इजी हेल्दी और हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।